सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। सभी को मेरा राम राम। आज हम 10th क्लास में स्केल नंबर 30 की कागज बाट करेंगे। इसकी लेंथ है 125 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 40 सेंटीमीटर और हाइट है 108 सेंटीमीटर। इसमें जो फुट्टा यूज हुआ है वो है 2.15 सेंटीमीटर। तो ये आप देख सकते हैं 2.15 सेंटीमीटर इसमें फुट्टा यूज हुआ है। तो हमने लेंथ इसकी ज़्यादा इसलिए कागज़ को लेंथ में रखा है। तो लेंथ है 125 और ब्रेथ है 40, तो ये होता है 165 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ से 165 सेंटीमीटर काटना है। ये आप देख सकते हैं यहाँ से ये हमारा है 50, 55, 60 और ये है हमारा 65। तो 165 सेंटीमीटर काटने के बाद बची हुई शीट के हमने बराबर तीन भाग करने हैं। तो हमने यहाँ से एक लाइन लगानी है, न्यून कोण लेना है। इस तरह से और हमने इस पे बराबर तीन निशान अभी लगाना है। जो ये हमने बाहर को लाइन ली है इस तरह से, यहाँ एक दो तीन, ये आप देख सकते हैं इस तरह से हम इसमें नाम लिख देंगे 0, 1, 2, 3। और हमने क्या करना है, 0 पॉइंट को हमने, ये हमारा लास्ट पॉइंट है, इसको हमने मिलाना है 3 के साथ और 2 इसके समानांतर हम रेखा लेंगे 3 के 2 से और फिर हम लेंगे 1 से। इस तरह से हम देख सकते हैं इसको कि हमारा बराबर है। तो हम 1, 2 और 3 बिल्कुल बराबर है। हमने एक भाग जो है वो यहाँ से लेफ्ट साइड से हमने काटना है इस तरह से। और तो हम लेंगे लेंथ, लेंथ हमारी है इसमें 125 सेंटीमीटर, यहाँ से 125 सेंटीमीटर। तो ये हमारा 20 और 5, 25 सेंटीमीटर है। हमने एक भाग और काटना है इसमें यहाँ से, ये हमने एक भाग यहाँ पे काट दिया है। अब हमने काटना है इसमें ब्रेथ, इसकी ब्रेथ है 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमने 40 सेंटीमीटर काटना है। ये आप देख सकते हैं यहाँ से ये हमारा है 30, 35 और 40। तो ये बिल्कुल हमारा बराबर आ रहा है। यहाँ पे एक भाग हमारा बच जाता है यहाँ से। अब हमने क्या करना है, नीचे भी इसमें निशान लगाना है इसी तरह से। यहाँ पे एक भाग हमने यहाँ छोड़ देंगे और यहाँ से हमने काटनी है इसकी लेंथ। एक 125 सेंटीमीटर है और यहां से हमने काटने हैं इसकी एक भाग भाग। और अब हम काटेंगे इसमें ब्रेथ 40 सेंटीमीटर। अब हमारा एक भाग बच जाएगा यहां पे और हमने इसको हल्के से मिलाना है यहां पे। हल्की लाइनों से अभी हम यहाँ मिलाएंगे। इस तरह से और यहाँ पे भी हमारी एक लाइन है। अब हमने हाइट और ब्रेथ यहाँ पे काटना है। तो हाइट है हमारी 108 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 40। तो ये है 148 सेंटीमीटर है। तो
तो यहाँ से हमने 148 सेंटीमीटर काटना है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा है 150, ये आप देख रहे हैं। यहाँ से हमने 2 सेंटीमीटर कम कर देना है इसमें से, यहाँ से हम 2 सेंटीमीटर कम कर देंगे इस तरह से। ये हमारी बच गई शीट है, इसके हमने बराबर 5 भाग करने हैं। तो हमने यहाँ पे प्रकार खोल के इसमें निशान लगाना है, बराबर 5 निशान हम इस तिरछी लाइन पे लगा देंगे यहाँ से। इस तरह से हम इसमें नाम लिख देंगे 0, 3, 4, 5, और हमने 5 को जो है वो लास्ट लाइन के साथ यहाँ मिला देना है इस तरह से। इसी के समानांतर हम रेखा लेंगे 4 से, फिर इसी के समानांतर रेखा लेंगे हम 3 से, 2 और 1 इस तरह से एक बार इसको देख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 बिल्कुल बराबर है। तो हमने 2 भाग जितने प्रकार खोलने हैं, ये देख सकते हैं आप, ये हमारे 2 भाग हैं। इतनी प्रकार खोल के हमने पर यहाँ से जो है उसको काटना है इस तरह से। और हमने काटनी है इसमें हाइट, और हाइट हमारी है 108 सेंटीमीटर। यहाँ से ये हमारा है 90, 95, 100, 105 और 110। तो हमने यहाँ पे 105 काटने के बाद हम यहाँ पे काटेंगे 3, 1, 2, 3, ये हमने काट दिया है। अब यहाँ हमने काटना है एक भाग, ये हमारा एक भाग है यहाँ पे। तो यहाँ से एक भाग काट देंगे, और अब हमने काटना है इसमें ब्रेथ, और ब्रेथ हमारी 40 सेंटीमीटर। यहाँ से ये आप देख सकते हैं बिल्कुल 30, 35, 40, ये आप 3 वाला पे आ रहा है, तो 2 हमारे जो है वो तीसरा भाग हमारा है। तो 2 भाग हमारे पीछे बच जाता है। तो अब हमने क्या करना है, जितना हमने यहाँ छोड़ रखा है ऊपर यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं इतना, तो ये 2 भाग है, 2 भाग हमने यहाँ भी इसमें छोड़ देने हैं। इस तरह से हमने 2 भाग छोड़ दिए। अब हमने काटना है 108 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमने, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 90, 95, 100, 105, 110, तो हमने 105 काटने के बाद 3 सेंटीमीटर हमने और यहाँ काटना है यहाँ से, 1, 2, 3 ये हमने काट दिया है। और हमने काटना है एक भाग, यहाँ हमने छोड़ रखा है, ये हमारा एक भाग है इस तरह से। और अब हमने काटना है इसमें ब्रेथ, ब्रेथ है इसकी 40 सेंटीमीटर। तीस, पैंतीस, चालीस इस तरह से। ये हमने इसको डिवाइड कर लिया है और हमने इसको मिलाना है यहाँ से। तो ये ऊपर हम इसको मिलाते हैं यहाँ पे, इस तरह से, और हम लाइन लगा देंगे। इसके बाद
यहाँ पे ये लाइन हम जो है वो पूरी लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि आधा रेखा आएगी, एक्स वाई लाइन आएगी और यहाँ पे अंतर रेखा लगाएंगे और यहाँ हम रेखा लगाएंगे, यहाँ हम हल्की सी लाइन लगाएंगे और इसी तरह से यहाँ पे नीचे यहाँ पे हम लाइन लगाएंगे, यहाँ हम निशान इसमें लगाएंगे, लाइन को हम बढ़ा देंगे, यहाँ हम हल्की सी लाइन लगाएंगे, यहाँ हम इस लाइन को थोड़ा और बढ़ा देते हैं इस तरह से, और हम इसको यहाँ पे तिरछा मिला देंगे इस तरह से, ये आप देख सकते हैं। और जो हमारी फालतू लाइनें हैं हम इनको मिटा देंगे और जो हमारी हल्की लाइनें हैं इनको हम डार्क कर देंगे इस तरह से, इनको डार्क कर देंगे। यहाँ पे हमने इसकी हाइट लिखनी है और ब्रेथ इसकी लिखनी है, यहाँ पे हम लाइन लगा देंगे यहाँ पे, इसकी हम यहाँ लिखेंगे लेंथ, इसकी हाइट है 108 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 40 सेंटीमीटर, लेंथ है इसकी 125 सेंटीमीटर। और यहाँ हम लिखेंगे इसमें एलिवेशन, प्लान और प्रोजेक्शन, यहाँ हम इसमें स्केल नंबर लिखेंगे जिससे हमने इसकी प्रोड्यूजन की है, और आगे भी हम इसको सॉल्व करेंगे। ये 2.15 सेंटीमीटर है और यहाँ पे हम 2.15 का जो फुट्टा है वो भी हम यहाँ पे इसको बनाएंगे। तो इस तरह से आपने इसकी कागज बांट करनी है, यहाँ भी इसकी अलग से लेंथ, ब्रेथ और हाइट इसकी लिखेंगे। इसकी लेंथ है 125 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 108 सेंटीमीटर। ये स्केल है आपकी 30 नंबर स्केल, ये आपकी है। इसकी कागज पाठ हमारी हो गई है। इस तरह से आपने भी इसी स्पाई के साथ कागज पाठ करनी है और इसके बाद आपने इसको सॉल्व करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल ड्राइंग।